अरे प्याज कितनी लगेगी? पौना एक किलो। और आज मैं 2-3 साल बाद आटा लगाती हुई। हेलो गाइस, तो आज हम लोग निकलने वाले हैं आउटिंग पे, और आउटिंग पे कहाँ जाते हैं ये बाद में डिसाइड होगा। और मतलब ये है कि खाना भी वहीं बनाएंगे जो भी बनेगा। तो कुछ सामान ले लिए हैं जैसे सब्जी वगैरह, बाकी सामान लेना बाकी है। तो आज के ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम लोग पहुँच गए हैं टारगेट पे। देखिए जंगल जी लोग भी बना रहे हैं बेहतरीन मटर की सब्जी, और उधर भी बन रहा है सब्जी। और क्या बनाएंगे अंकल जी? रोटी चावल। रोटी चावल, अच्छा। तो 2 लोग हैं? नहीं, 2 लोग और आएंगे। तो हम लोग भी आ चुके हैं पठारी पर, और अब अगला प्लान यही है कि हम लोग कोई सी जगह ढूंढेंगे जैसे अंकल जी लोग ढूंढ के रखे, और वहां पर बनाएंगे हम लोग भी कुछ। तो देखते हैं कैसा पहला एक्सपीरियंस रहता है आउटिंग का यहाँ रीवा में। अभी पहली बार तो हम लोग ऐसे नॉर्मली बनाने वाले हैं, आग पे ही आग जलाएंगे, यहीं पर कंडे कलेक्ट करेंगे, लकड़ी कलेक्ट करेंगे, और अगली बार से तो सब लेकर आएंगे, मतलब गैस वगैरह। अभी पहली बार हमें यही ट्राई करना था कि कैसा है आउटिंग का, अगर मज़ा आ जाता है तो फिर यही सिस्टम चलेगा, नहीं तो फिर चेंज करेंगे। तो सामान लेकर पहुंच गए हम लोग, ऐसा कुछ सामान लेकर आए, पानी, सब्जियां हैं इसमें, इसमें कुछ स्नैक्स हैं, पत्थर गड़े गए, और ये हैं बर्तन। तू गड़ेगा यहाँ पे चूल्हा बना बनाया मिला है हमें जो पहले से बना हुआ है, और ये लकड़ियाँ कुछ कलेक्ट की है, कुछ कंडे, कंडे शायद कुछ कम लोग जानते होंगे बट उपला 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 में से ये ऐसा होता है गाय बैल गाय गाय करिंग पोटी डिफाइन करेगा पप्पू कैसे होता है गाय करिंग पोटी इन समर इट्स संजय उठाएंगे देन पुटिंग इट ऑन द रॉक्स कार्ड देन थप 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 नो थप 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 गाय हगिंग एंड इन हार्ट पप्पू की अंग्रेजी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन। सब्जी कितने ले लिया यार, इतना खाएंगे? अरे तो लेते चलेंगे ना यार, जो बचेगा कम नहीं होना चाहिए, इस वजह से ले लिया था। बहुत बढ़िया सामान सब है उसमें, अदरक भूल गया यार, गार्लिक पेस्ट है ना, गार्लिक पेस्ट होगा ना, लो काट रहे व्यवस्था करो जल्दी, अरे धो तो ले। और लेता जाए यार, हम लोग भी खाएंगे। पानी यहाँ है नेचुरल वाटर धुलने वगैरह के लिए, बाकी हम लोग लेके आए हैं कैन पीने के लिए। और अंकित भाई हैं हमारे सेफ, आज के मास्टर सेफ, और इस बार देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस क्या रहती है पहली बार में। आज जैसा ही चिकन बनाएंगे उसके हिसाब से इनको आगे भेजा जाएगा, उसके बाद से इनका प्रमोशन किया जाएगा। क्या सब बढ़िया मास्टर? बेहतरीन। प्याज काटता हूँ मैं। अंकित अंकित भाई ले लो गाजर, और इसको लगाओ आप इसमें, बन जाएगा ना आपसे। आप ये करो, बाकी हम लोग करते हैं, अंकित से कर लेंगे, उनको आइडिया है। ठीक है, लंडा लंड कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, और यहाँ हमारे लोडू लड़ित प्याज काट रहे हैं। जीजा आ रहे हैं तो वो नहीं आए। तो अभी हो रहा है अंकित भाई का चिकन फ्राई, जलाना बस। नहीं नहीं जलाऊंगा नहीं, हाथ धीमी तो कर रहे हैं बस, मस्त रेड हो जाएगा, जल्दी छील यार, कट गई ना। सही था कि तुम थे, नहीं तो ये तो आग भी ना जलती। साला चिकन नहीं तल पा रहा है, प्याज कट गई है, लहसुन छिल गई है, और मिर्ची कट गई है, तो डल गई है प्याज और लहसुन। खड़ा मसाला बाद में डालोगे, जल्दी डालो ना, ये उसमें वो बहुत होंगी यार, कीले। हाँ कीले बचा के वही कर, उबल तेल डाल दो, चलाओ आग धीमी हो गई यार, आग धीमी हो गई।
छोटी छोटी लकड़ियाँ नहीं है, लाइस वहाँ की जल रही है। बस थोड़ी अब आग की व्यवस्था करिए, चले खा लो अंकित, आग लगा देंगे चला घंटे लगा देंगे। सब खत्म कर डाले, लुल्ली खा गए, लुल्ली है दोनों। तुम साले फ्राई नहीं किए, कम फ्राई किए, अब खा गए खाले। फेंक करो भैया, नहीं खाना तो हमको दे दो भैया। कहाँ पे करना, चखना तो है पर दारू नहीं है, बिना दारू दारू नहीं पीते। पवन आटा लगाओ तुम पहले, वो देख खाली कर। क्या आग बुझा दिया, आग यही मुसीबत है बस, आग बुझ जाती है थोड़ी थोड़ी टाइम पे, हवा चलती रहती तो, अदरवाइज तो सब अच्छा है। चाकू भी कहीं था ना, मैं इसको यहाँ टका देती। चाकू कहाँ रख दिए, मैरिनेट कर डालो मां। दही नहीं लाया यार तू, कौन क्या लेके आया गांडू यार, बढ़िया मस्त दही। अगली बार सब लिख लेंगे, हाँ सैटरडे नाइट में ही पूरा एक लिस्ट बना लेंगे। पवन ला लिया कितना सारा, अबे गीला गीला नहीं ला, तो चिकन डल गया इसमें। भाई साहब पता नहीं कैसा बना रहा है, देखते हैं भाई साहब। और ये आटा लगाने में ड्यूटी है, मैं आटा लगाती इतनी सारी लकड़ी और इतना कंडा कलेक्ट हुआ है। आग नहीं लगाती, आटा अच्छे से लगाती, तो हमारे जाने मन होती। जाने मन होती अच्छे से लगाती नहीं तो जूता खाती तो आज आग वाला चिकन पहला एक्सपीरियंस। और आज मैं 2-3 साल बाद आटा लगाती हुई, घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि लड़का आटा लगा लेता है, बढ़िया कुछ तो बनता है ससुर से। अब हम मेहरिया रोज बीमार पड़वा करी ये भी सही है अब भाभी को मौका मिल जाएगा। नहीं तो कहे कि तुम आटा लगाती रोटी बनाती, मैं सब्जी बनाती अनारस से तो लेके तुम सब्जी बनाओ साले, नारेंद्र को तो आवाज आती तुम सब्जी बनाती नहीं तो जूता खाती उधर से उड़ते हुए 7 नंबर सैंडल आती ना, ना, 5 नंबर अब नहीं बोलेगा क्या, नारेंद्र बोलता सच्चाई करनी होती है, पता चले शादी हो जाए उसके बाद अगले साल करवाते हैं ना संजीति, अभी तो जीने दो यार मुझे। खाना कैसा बनने वाला है इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है बाहर की आउटिंग का। आई एंजॉय द प्रोसेस, प्रोसेस बहुत अच्छा है। एक कंडा निकालो बढ़िया, इसमें आग लगाते हैं, जुगाड़ करती है इसे उठा के, इसमें लगाओ बेहतरीन। अब इसके बीच में डालते, अब इस ऐसे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगी बस, थोड़ा मुंह से फूफू करती, नहीं नहीं नो फूफू नहीं, नो नो कुछ देर में सुलग जाती है जहां आटे आ जाए। संजू हां रोटी तो हम बनाई जा सकती है ना, उसमें अभी टाइम लगे, उसमें कंडे कहां है यार, किसमें चावल बना लेंगे ना यार। हां नहीं नहीं मैं ये सोच रहा हूं, मैं ये जब सब सुलग जाए तब ना रोटी बने। अरे ये जो ये है ना इसको रखो ना उधर बस अगल बगल, क्या अरे वो लग जाए बस, वो उसमें थोड़ी है, वो उसको तो जलना है बस। तो फाइनली अच्छे से आग लग गई है, इसमें चिकन का लगभग काम कंप्लीट हो गया, बस टमाटर बचा है इतने बलगल लौंडे हैं साले वो देखो क्या बना रहा है अबे आराम को आटा लगाना है, लेना नहीं है बहुत रोटी खाना का। नमक थोड़ा सा बढ़ा दो नारे, नमक कम है बस, ज्यादा नहीं बढ़ाने, बहुत ज़्यादा मत डालना नमक, टेस्ट बढ़िया है यार मसाले गजब है, हो जाएगा रुक जब मैं बताता हूँ बनाता हूँ ना मैं, अगर सक्सेसफुल रहा तो अगली बार से अपन इसी में बनाएंगे, गैस रखे रहेंगे बस, ऑप्शनल के लिए थोड़ी आएंगे, नहीं तो बाहर भी गए तो ऑप्शनल रखेंगे ना, अगर मिल गया ये सब प्रोसेस तो ठीक है, नहीं तो फिर तुमको भौजी बताती कि मजा आती कि
ये बढ़िया था। ले लिए उड़ता तीर। उड़ता तीर क्या पोहम को पता है? उड़ता तीर खुद पे लेना। आती कि नहीं आती? जवाब तो मजा आती। वो तो भाभी बताएगी ना, तुमको तो मजा ही आएगी। तुम्हारा तो काम हो जाती 2 मिनट में। ये तो एक्सपीरियंस वाले ही बता सकते हैं। फुल एक्सपीरियंस वाले। तुम्हारी तो मैगी जल्दी बनती, भौजी की आलू टमाटर डाल के बनती। आलू टमाटर थोड़ा टाइम लगती। इसीलिए चप्पल पहनते। चप्पल कम पड़ती। रोटी पकी कि नहीं पकी एक भी? अभी कहाँ पकती है छोटू? ये सब चमक पानी डाल दे चचा, नहीं जल जी थोड़ा निकाल दो। हाँ निकाल दो, देखो जो जल में जाए। तो पानी चल लिया गया हूँ। वो वाले माँ कंडा रख देना, वो जल अल्लाह हिस्से से जल जाए। थोड़ा बन गया है। पैसा तुमको चाहिए साले? ये पैसा चपक गया। अरे प्ले हाँ रख, एक नंबर। एक रोटी तो बनी इतनी कतई जहर। इतनी मुश्किल में एक रोटी बनी है। अरे यार ये तो कच्चे निकल गया। गजब टेस्ट है। टेस्ट तो है यार भैया, अब बनाए हैं भैया। टेस्ट तो लगेगा भैया, हाँ नहीं जलाना भैया। पता थी ना बनी बन जाएगी। अरे रुक पानी में रखने, वैसे कड़वी हो जाएगी। क्या देखा था देख, चावल चढ़ गया, ये चिकन जैसे कंप्लीट हुआ, ये बन रही है रोटी। रोटी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, बट ख़त्म हो गई है, ये सब खा गए साले पहले ही। और ये बन गया है चिकन अपना। ये हम ले जा रहे हैं 200 रुपये प्लेट। ये ले जा रहा अपनी महरारू के लिए अलग से। हाँ घर ले जाने का अलग से चार्ज लगा करेगा। 300 कितना कितना पाओ? 750 300 यार, छोटी बात कर लेते हो यार इसमें। यार अलग से चार्ज लगेगा वरना बहुत अच्छा है। देख सकते हैं इसके लिए जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। पूछ ले, थोड़ा पीस खाती गरम होती। तुमको बोले हैं कि सलाद काटो, ठूसो नहीं। तुम हराम खोर बोले थे रोटी खाऊंगा नहीं, चार खा गए हो। कौन तुम? चार पूरी बनी है। तो कंप्लीट हो चुका है अब खाने के लिए। चावल चढ़ा हुआ, चावल में टाइम लगेगा, रोटी लग रहा है नहीं बन पाएगी। अब ये है चिकन कंप्लीट हो चुका है, सलाद कट चुकी है बकायदे से। ऑन करेंगे चिकन की ओर, उन खाएगा चिकन। और छोटू अब निकालेगा ना, छोटू निकालो बकायदे से। एक पीस खाएगा? नहीं कोई जरूरी है, नहीं होगा तो खा लेंगे। दो ही मुर्गे थे ना, चार लेग पीस होंगे तो कहाँ बचा के ले जाओगे? ऐसे नमक डाल, नमक इसको सीधा करिए। अरे ऐसे डालना हाथे से, ये इसमें रख देता हूँ ना साइड वाले में, उसको हटा। ठीक है। एक और थाली कहाँ गई? अभी वो है उसमें प्लेट है ना, उसमें दो है, दो है उसमें। हाँ हाँ दो है, उसमें से निकाल लो ना। रोटी तो नहीं बन पाएगी गाइस, भात से ही काम चला। नींबू नहीं आ रहा है। टेस्ट का सब वो मस्त, एक नंबर।
और पका सकते थे यार, हल्का पकना चाहिए था। पानी पानी ना, बाकी बढ़िया पानी तो काफी सही बना है, हल्का सा पका कम है पानी, बाकी तो ठीक है। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। पवन कैसा लगा तुम्हें? मस्त, मजा आ गया लंडा लंड कार्यक्रम में। अच्छी बात क्या लगी? अच्छा लगा पर सब कुछ अच्छा लगा। एक कंडे ढूंढने में बहुत मजा आया इसको। कंडा, हाँ कंडा ढूंढना बड़ी परेशानी वाली बात थी, वो थोड़ा मुश्किल काम था ढूंढ के लाना। अंकित भाई कैसा रहा? सब अच्छी लगी। चिकन कैसा था? चिकन मस्त, चिकन मस्त, रोटी बहुत बढ़िया थी, चावल अच्छा, रोटी बहुत अच्छी थी, बस ये था कि सारी नहीं बन पाई, चार पांच ही पकी क्योंकि कंडे की कमी पड़ गई, एक आदमी हराम निकल गया, कंडे नहीं बनता, बाकी तो सही था। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।